ब्रिजा गाड़ी में गोकसी के उपकरण के साथ यहाँ पे कुछ व्यक्ति आए और जिन्होंने पहले से यहाँ पे एक गाय बांध रखी थी, पुलिस द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है और अन्य दो बदमाश जो थे इनको मौके से पकड़ा गया है। पिछले सप्ताह इन्होंने काली नदी के किनारे पे भी गोकसी की थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गोवर्धन पूजा के दिन गोकशी करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। देर रात हुए इस एनकाउंटर में पुलिस की गोली पैर में लगने से दो बदमाश घायल हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। बता दें कि गोवर्धन पूजा के दिन काली नदी के आसपास से गोवंशीय अवशेष बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया था। गोवंशीय अवशेष मिलने के बाद स्थानीय लोग भड़क उठे और कार्रवाई की मांग करने लगे। दरअसल पुलिस ने जिन बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है उन्होंने गोकशी के बाद इलाके में गोवंशीय अवशेष फेंके थे, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला था। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश काछोली गांव के जंगल में गोकशी करने आ सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने बताए गए जगह के आसपास चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। देर रात ब्रेजा गाड़ी में सवार होकर कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते हुए नजर आए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा किया लेकिन उन्होंने गाड़ी को तेजी से भगा दिया। इसके बाद जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाश गाड़ी से निकलकर भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से दो बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जबकि दो अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारों बदमाशों के कब्जे से गोकशी करने के उपकरण और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही एक ब्रेजा कार भी बरामद हुई है जिसका प्रयोग वह गोकशी करने में करते थे। घायल बदमाशों की पहचान भूरा पुत्र आबिद और शुएब पुत्र इकरामुद्दीन निवासी गढ़ ग्राम रोहासा थाना दरौला जनपद मेरठ के रूप में हुई है, जबकि उनके साथ दबोचे गए अन्य बदमाशों में यामीन पुत्र शाहबुद्दीन फकीर निवासी मेरठ और आशिफ पुत्र रहीस रांगड़ निवासी मेरठ है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गए बदमाश शातिर अपराधी और कोकश हैं, जिनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। पिछले दिनों गोवर्धन पूजा के दिन गांव कल्लरपुर कछौली में इन्हीं बदमाशों ने गोकशी कर गोवंशीय अवशेष फेंक दिए थे, जिनकी बरामदगी से पूरे गांव में तनाव फैल गया था। वहीं पुलिस को मौके से एक जिंदा गोवंश भी बरामद हुआ है। आज शाम थाना कोतवाली नगर की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कछौली ग्राम का जंगल है यहाँ पे गोकसी करने वाला एक गिरोह आ सकता है। इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर की टीम्स डिप्लॉय की गई थी और ये एक ब्रिजा गाड़ी में गोकसी के उपकरण के साथ यहाँ पे कुछ व्यक्ति आए और जिन्होंने पहले से यहाँ पे एक गाय बांध रखी थी, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये गोकसी करने के इरादे से आए हैं। इन लोगों को जब पुलिस द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है और अन्य दो बदमाश जो थे इनको मौके से घेर घोट कर पकड़ा गया है। इस प्रकार कुल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें ये पता चला है कि अभी पिछले सप्ताह इन्होंने काली नदी के किनारे पे भी गोकसी की थी, जिसके संबंध में कल अवशेष प्राप्त हुए थे और उसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा इन्होंने और अन्य जगहों पे भी जनपद में घटनाएं करना कबूल किया है, जिसके संबंध में डिटेल में पूछताछ इनसे की जाएगी। एक पशु चोरी इन्होंने करना बताया है जो बुढ़ाना थाना क्षेत्र की घटना है, उसके संबंध में अभी तक ये स्पष्ट हो पाया कि उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये दो घटनाओं का अभी अनावरण किया गया है और इसमें डिटेल में अभी इनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। ये जो पकड़े गए अभियुक्त हैं ये चारों अभियुक्त जनपद मेरठ के हैं, इसमें से दो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक सरदना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक रुआसा दोराला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से गोकसी करने के उपकरण, उसके अलावा जो इन्होंने पुलिस पार्टी में फायर किए वो तमंचे और कारतूस खोके वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास एक ब्रिजा गाड़ी थी जिसमें ये गोकसी करने के बाद जो का जो मांस होता है उसको ये यहाँ से तस्करी करके ले जाते हैं। अभी ये इसमें आगे जो अन्य चेन है कि ये कहाँ बेचते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके संबंध में डिटेल में हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे और इस पूरी विवेचना के दौरान जो बाकी अन्य अभियुक्त जो इस पूरे गिरोह में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कोई आपराधिक इतिहास पता चल पाया है इनका? अभी जो प्रारंभिक तौर पर हमने पता किया इनमें से एक अभियुक्त जो मौके से पकड़ा गया है उस पर लगभग दो दर्जन के आसपास मुकदमे हैं, उसमें कई गोकसी के भी मुकदमे पंजीकृत है। ये पूरा शातिर किस्म के गोकस का एक गिरोह है। इसके अलावा जो दो बदमाश जिनके पैर में गोली लगी है इन पर भी एक पे छः मुकदमे हैं और एक पे दो गोकसी के मुकदमे पंजीकृत होना अभी तक पाया गया है।